नमस्ते फ्रेंड्स, स्वीट होम के स्वीट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और यमी कॉर्न पकौड़ा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप इसे झटपट बना करके दे सकती हैं, जो कि स्वाद में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बहुत ही कुरकुरी पकौड़ा बन करके तैयार होती है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से दीजिएगा। और अब नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पकौड़ा बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनकर के तैयार होती है, जिससे आप हर मौसम में खाना पसंद करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कॉर्न पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं यहाँ पे मैं एक कटोरी बेसन ली हूँ, आधी कटोरी चावल का आटा ली हूँ, आधा कटोरी मकई का आटा ली हूँ। और यहाँ पे मैं सारे मसाला लूँगी। ये हरी मिर्च काट ली हूँ बारीक, प्याज काट ली हूँ बारीक, दो प्याज, एक शिमला मिर्च काटी हूँ, एक कटोरी कॉर्न ली हूँ। आप चाहे तो पैकेट वाले भी कॉर्न ले सकते हैं और फ्रेश कॉर्न भी ले सकते हैं। धनिया पत्ता ली हूँ, यहाँ पे मैं सारा मसाला ली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सारे मिक्स करती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स को, जिसमें मैं यहाँ पे एक कटोरी कॉर्न ली हूँ। आप फ्रेश कॉर्न या फ्रोजन कॉर्न कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेश कॉर्न यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर फिर मैं एक शिमला मिर्च को बारीक काट ली हूँ, वो डाल रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक कटोरी चॉप ओनियन डाल रही हूँ, जो कि मैं दो मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके रखी हूँ। फिर मैं हरी मिर्च बारीक काटी हूँ स्वाद अनुसार। आप तेज हरी मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा हरी मिर्च डालिए अपने स्वाद अनुसार से। फिर मैं यहाँ पे धनिया पत्ता बारीक काट के रखी हूँ, वो डाल रही हूँ। आधा कटोरी मैं यहाँ पे मकई का आटा ली हूँ, एक कटोरी बेसन ली हूँ चने के आटे, आधी कटोरी चावल का आटा ली हूँ। चावल के आटा डालने से फ्रेंड बहुत ही हमारी पकौड़े कुरकुरी बनके तैयार होती है, और मकई के आटे डालने से। यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार से नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार से कम और ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आधी चम्मच नमक ली हूँ, 1/4 स्पून टीस्पून हल्दी ली हूँ, 1/4 स्पून लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, यहाँ पे मैं 1/4 स्पून चाट मसाला ली हूँ और 1/4 स्पून जीरा पाउडर ली हूँ। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक और धनिया पत्ती की पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच। आप चाहें तो हरी चटनी भी डाल सकते हैं। और सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैं मिक्स करने के बाद मुझे पता चलेगा या आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें पानी की कितनी ज़रूरत है। बहुत ही हल्की पानी डालना है। मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ। यदि बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारी पकौड़ी कुरकुरी बन करके तैयार नहीं होगी, इसलिए बहुत ही कम पानी डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डो बन के तैयार है पकौड़ा की। अब मैं यहाँ पर तेल गरम करूंगी। आप चाहे तो सरसों तेल या तो रिफाइन ऑयल, जो तेल चाहें उससे यूज़ कर सकते हैं आप। अब मैं इसे गरम कर तेल में पकौड़े डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ही लो फ्लेम नहीं रखी हूँ, मैं मीडियम टू हाई फ्लेम रखी हूँ। आप बहुत ही कम आंच रखेंगे तो पकौड़े में तेल बहुत ही अंदर वो पिएगी। मैं अब ये पकौड़े धीरे धीरे करके डाल रही हूँ सारे, और यहाँ मेरी आँच मीडियम टू हाई फ्लेम है। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये हमारी पकौड़े बन करके तैयार हो रही है। ये पकौड़े को सुनहरे होने तक अच्छे से तलेंगे। ये देखिए हमारे पकौड़े सुनहरे कलर का हो गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ, जो कि बहुत ही क्रिस्प बन करके पकौड़ा तैयार हुआ है। आप इसे हरी चटनी, लाल चटनी, किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। और पकौड़े मिर्च के बिना तो अधूरा है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ हरी मिर्च, लाल मिर्च को तेल में डाल करके फ्राई कर रही हूँ। ये पकौड़े के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और किसी भी मौसम में पकौड़े खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। या तो कोई गेस्ट आ जाए, शाम का टाइम हो, चाय के साथ आप पकौड़े खा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और इस रेसिपी को बनाएं, खुद खाएं और परिवार में सारे सदस्यों को खिलाएं। इसी के साथ फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।